आपके अपने चैनल में आज मैं बात करूंगा लॉकडाउन में स्ट्रेटेजी मैंने एक बनाई है, ठीक है। और ये एसएससी स्टेनो के लिए है, टारगेट एसएससी स्टेनो जिसका भी 2020 वाला है और जिसे हर हाल में एग्ज़ाम निकालना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंफ्यूजन है कि लॉकडाउन की कंडीशन में हम कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, पूरा टाइम इतना टाइम हमारे पास रहता है, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं करा है क्योंकि सबका अपना अपना टाइम होता है और स्ट्रेटेजी सबको सब अभी अपने अपने टाइम पे अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, इसलिए मैं टाइम डिसाइड नहीं करूंगा। बस आपको ये करना है कि एक दिन में इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, इस लॉकडाउन में। और इतना आप कर सकते हो, अगर आपको 60,000 ग्रेड सी की जॉब चाहिए या फिर ग्रेड डी की जॉब चाहिए स्टेनो की, तो ये फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अपने टारगेट को यानी स्टेनो को अचीव करना है, ठीक है, स्टेनो निकालना है आपको, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में 5 क्लोज टेस्ट की आप ये सोचिए कि एक दिन में आपको 5 क्लोज टेस्ट करना ही करना है, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट आप 5 करने हैं, वो आप चाहे 5 मार्क्स वाले करो 5 या फिर 10 मार्क्स वाले करो, ठीक है, वो आपके, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने करते हैं, बट आपको 5 करने हैं डेली का, ये आपको, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और 5 जो है टाइमिंग के साथ जैसे आप करोगे ना, तो आप क्लोज टेस्ट एक 10 क्वेश्चन वाला करोगे तो कितना टाइम लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लोगे, ठीक है। अब एक बार में ही 5 नहीं करने, एक बार में आप एक या दो क्लोज टेस्ट करो एक बार में, ठीक है, दो करो एक्यूरेसी के साथ आराम से करो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप करते रहोगे डेली के, तो आपकी टाइमिंग स्पीड भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आपको एक दिन में कितने करने हैं, 5 करने हैं ऐसे गैप गैप करके, ठीक है। एक बार में दो करो, फिर थोड़ा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा गैप करो, फिर उसके बाद दो करो, ऐसे करके आपको एक दिन में 5 क्लोज टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लोज टेस्ट करने उतने इंपॉर्टेंट हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि दोनों मिला के आपके कितने आते हैं, 35 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट अगर 5 करें तो कॉम्प्रिहेंसिव भी 5 करने, क्लोज टेस्ट से इजी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पड़ता है, ठीक है। तो ये भी 5 करने आपको, और एक ही बार में 5 नहीं करने, ये भी आपको वैसे ही करना है जैसा आपको क्लोज टेस्ट करना है। एक करो, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लो, फिर दो करो, या फिर दो एक साथ करो फिर टाइम लो, ठीक है, उसके बाद गैप करके आपको करना है, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो, एक ही बार में नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग के एक दिन में 3 सेट करने हैं, ठीक है, 3 सेट करने, आप वो 25 मार्क्स वाला करो, ठीक है, या फिर 50 वाला करो, बट 3 करने, 3 एक साथ नहीं करने, इसका भी यही है। सबसे पहले जैसे आप क्लोज करते हो एक कॉम्प्रिहेंसिव करते हो, उसके बाद एक रीजनिंग का सेट कर लो, ठीक है, 3 कर लो, ठीक है, उसके बाद गैप करो, फिर अगला सब्जेक्ट। तो एक दिन में आपको 3 सेट करना है, उसके बाद जीके और करंट अफेयर कैसे करना है, ठीक है। जीके करोगे ना, तो जीके जब आप करोगे तो उसे टॉपिक वाइज करो, जैसे आप साइंस का करो तो साइंस का टॉपिक पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना आपको सही लगे, ठीक है, 30 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट तो कम से कम दो, ठीक है, टॉपिक को कोई भी एक टॉपिक करो, ठीक है, क्योंकि फिर ये भी क्या करना है आपको, जीके सेक्शन में आपको गैप करके, उसके बाद कोई भी एक मंथ का करंट अफेयर कर लो, ठीक है, कोई भी एक मंथ ले लो, जैसे जनवरी वाला करंट करो तो जनवरी के करंट के कर लो, ठीक है, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो दोनों को एक साथ करो, ठीक है। जैसे आपको एक टॉपिक कर लिया छोटा सा जीके का, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर के कर लिए, तो ये भी आपको क्या करना है, डेली करना है, यानी एक दिन में आपको तीनों ही, यानी आप रीजनिंग ले लो, करंट जीके ले लो या इंग्लिश ले लो, तीनों सेक्शन को आपको कवर करना है एक दिन में लॉकडाउन में। ये आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, बट ये सही है, अगर आपको ग्रेड सी की जॉब चाहिए या फिर आपको स्टेनो की जॉब चाहिए तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश के, जब ये सब हो जाए तो उसके बाद एक इंग्लिश का सेट भी आपको बहुत ज़रूरी है लगाना, एक सेट इंग्लिश का जरूर लगाना चाहिए। आप 50 मार्क्स का लेते हो, 100 मार्क्स का लेते हो या 200 मार्क्स हो, बट एक सेट आपको डेली एक दिन में लगाना ही लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके रॉन्ग होंगे उन्हें आपको फिर उसके बाद सही देखना है, सही करना है, ठीक है। तो एक सेट लगाना है, इसके अलावा मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक सेट इसके बाद है लास्ट टाइम पे, जब आपको पूरे ये सब आप कर लो तो लास्ट में यानी नाइट में आपको क्या करना है, फिर रिवीजन करना है, ठीक है। इन सब का क्या करना है, रिवीजन करना है कि इनमें से आपको कितना आता है, कितना लर्न आपने किया, इस पूरे को आपको एक दिन का जितना भी आपने किया उसे एनालिसिस करना है, ठीक है, एक बार में टोटल, ठीक है, देख लेना कि कितना हमने ये कर लिया, ठीक है। तो लास्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग रिवीजन भी, ठीक है। तो आप तो ये टाइम टेबल आप यूज़ करिए लॉकडाउन वाली कंडीशन में, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टारगेट एस 2020 को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि स्टेनो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है ना तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे, ठीक है। और सबसे एक बार और कि हम बहुत सारे यहाँ पे डेट के बारे में पूछ रहे हैं कि स्टेनो की डेट क्या है, आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, तो जो अगर लॉकडाउन हमारा 13 अप्रैल तक होता है तो यहाँ पर जरूर जो है एग्जाम डेट जो है आगे बढ़ जाएगी, एक मंथ आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो जो मई में जो है पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो जून में ही होगा डिसाइड कि कब होगा, ठीक है, मई के बाद ही हो, मई में तो कोई एग्जाम वैसे नहीं होने वाला, तो डेट जो है आगे बढ़ गई है, इसलिए ये आपको इतना जो है लॉकडाउन में इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप जरूर अपनाएगा, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी यानी एक दिन में इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक क्लोज टेस्ट करना, 5 क्लोज टेस्ट करने, ठीक है। उसके बाद सेम हमारे क्या करने,
कॉम्प्रिहेंशन पास करना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, रीजनिंग के 3 सेट करने हैं, वो भी गैप करके एक साथ नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जीके में कोई भी एक टॉपिक वाइज पढ़ना है और करंट अफेयर करना है कोई भी एक मंथ का लेते हुए, ठीक है। उसके बाद एक इंग्लिश का एक भी एक सेट लगाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे सभी आ जाएंगे, एंटोसिनो जितने भी होता है, फिलअप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, PQRS, EDM, ये सब आ जाएंगे, तो ये भी आपको करना है। और उसके बाद लास्ट टाइम पे यानी लास्ट में आपको इन सब का क्या करना है, रिविजन करना है, जो आपने जीके में पढ़ा है, जो आपने करंट अफेयर करा है, जो आपने एक बार क्लोज में जितने भी आपने गलतियां की है, ठीक है, वो भी देखना है, कॉम्प्रिहेंशन में जितनी गलतियां करी है, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हैं, इन सबको क्या करना है, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे आपको ये सब सही करना है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आप सभी जो है स्टेनोग्राफर बन जाए और आप सभी जो है अपने टारगेट को अचीव कर लें, यही मैं चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट।